ताजमहल के बाद अब दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मंगलवार को कुतुब मीनार के पास हिंदू संगठन महाकाल मानव सेवा के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की। इस दौरान कुतुब मीनार परिसर में प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों के हाथ में बैनर और पोस्टर भी थे। हिंदू संगठनों का दावा है कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है। इस मीनार का निर्माण 27 जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया था। मौके पर तैनात पुलिस बल ने इन तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। कुतुब मीनार परिसर की सुरक्षा व्यवस्था अब और कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने भी मांग की है कि सरकार कुतुब मीनार परिसर में प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाए और वहां हिंदू रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दे। मस्जिद के ढांचे में गणेश मूर्तियों का विरोध। इस बीच कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को हटाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। हिंदू संगठनों को कुतुब मीनार में उल्टी लगी भगवान गणेश की दो प्रतिमाओं को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि वहां मस्जिद में लगी मूर्तियों को देखकर लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इन संगठनों ने मांग की है कि मस्जिद के ढांचे में लगी सभी मूर्तियां निकालकर इन्हें प्रतिष्ठित किया जाए और उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने एएसआई को दिया था ये निर्देश। इसके पहले दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को अगले आदेश तक कुतुब मीनार परिसर में भगवान गणेश की दो मूर्तियों को नहीं हटाने का आदेश दिया था। अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। अब हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बीच अगली सुनवाई में इस मामले पर क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।